हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आर पार देखने वाला कांच बेचने का झांसा देकर बैठे 30 लाख रुपए मुंबई के व्यापारी को ठगा 3 आरोपी गिरफ्तार। दीवार के आर पार दिखाई देने वाला जादुई कांच बेचने का झांसा देकर कुछ युवकों ने मुंबई के एक व्यापारी से 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। कांच नहीं मिलने पर पीड़ित ने महामंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सुमेर दान चारण के अनुसार मुंबई निवासी व्यापारी संजय गुप्ता से गत दिनों एक व्यक्ति ने संपर्क किया और दीवार के आर पार दिखाई देने वाला जादुई कांच बेचने का झांसा दिया। व्यापारी को विश्वास दिलाने के लिए उसने एक वीडियो भेजा जिसमें कांच से दीवार के आर पार दिखाई दे रहा था। उसने व्यापारी को कांच के प्राचीन होने व इसे विदेश में बेचकर भारी मुनाफा कमाने का झांसा दिया था। बातों में आकर व्यापारी मुंबई से जोधपुर पहुंचा और महामंदिर क्षेत्र की होटल में ठहरा। ठग गिरोह ने व्यापारी से बात की और 30 लाख रुपए अग्रिम मांगे। झांसे में आए व्यापारी ने उन्हें 30 लाख रुपए बतौर अग्रिम दे दिए। इसके बाद आरोपियों ने उसे ना तो कांच दिखाया और ना ही परीक्षण करवाया, उल्टा व्यापारी से और रुपए की मांग करने लगे। ठगी का संदेह होने पर व्यापारी थाने पहुंचा और शिकायत दी। परिवाद की जांच कर पुलिस ने 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर FIR दर्ज की गई। साथ ही जैसलमेर जिले में लाठी थाना अंतर्गत महेचो की ठाणी निवासी महेंद्र सिंह उर्फ नाथू सिंह, सांकड़ा थाना अंतर्गत नया सानवाड़ा निवासी स्वरूप सिंह और करबट थाना अंतर्गत उजलिया गांव निवासी जगदीश भील को गिरफ्तार कर लिया। इनमें शामिल नाथू सिंह वर्ष 2012 में डांगियावास थाने में दर्ज जादुई कांच से करोड़ों की ठगी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। गुप्ता निवासी मुंबई ने थाने पे रिपोर्ट दी कि उसको जोधपुर में एंटिक वेरर जादुई एंटिक वेरर बेचने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी कर ली है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। DCP साहब, ADCP साहब और SCP साहब के निर्देश पर तुरंत टीम गठित की गई। जिला स्पेशल टीम एवं थाना महामंदिर की टीम द्वारा आरोपी महेंद्र सिंह और नाथू सिंह, जगदीश भीर और स्वरूप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।